नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रमल ज्योति सजार किस तरह कृष्णा शर्मा, आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के दिन के बारे में बता दीजिए। आज है 14 मार्च, दिन बुधवार है और आज की तिथि के बारे में, द्वादशी तिथि है, चंद्रमा कुंभ राशि में संचार कर रहा है। साथ ही आज आपको बताते हैं शुभ समय के बारे में। शुभ समय जो आज का है हमारा, सुबह 7 बजे से लेके 7:45 तक का समय रहेगा, जिसमें आप दान पुण्य का कुछ भी समय निकालिए, अच्छा रहेगा परिवार के उन्नति के लिए। आज हम आपको बताते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में उन्नति रहे और साथ ही जो है आपके परिवार का हर व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा तरक्की करे, तो उस पर हम बता देते हैं आज का खास उपाय, मगर उससे पहले राशियों के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए भाग्य के पासे का नंबर निकला है नंबर 4, 4, 3, 2 निकला है। मेष राशि वालों, सबसे पहले जो नंबर 4 ये बताता है, बेकार में, फिजूल में भ्रम जो आपके दिमाग में आ जाएगा, शक आ जाएगा, जिसकी वजह से मानसिक रूप से आज परेशान रह सकते हैं, परेशानियों को अपने ऊपर डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और बड़े बुजुर्गों का कहना मानिएगा। साथ ही हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर निकला नंबर 1, 4, 3, 8 निकला है। वृषभ राशि वालों, आज आपके लिए बता दें, काम काज में आज आपका बहुत समय आज जो है व्यतीत होगा। काम के सिलसिले में आज कहीं हो सकता है किसी से मीटिंग वगैरह हो, किसी अधिकारी वर्ग के सहयोग से आज आपका कोई बड़ा काम बन सकता है। हम बात करते हैं अगली राशि, हमारी अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए भाग के पासे का नंबर निकला है नंबर 3, 1, 3, 7 निकला है। मिथुन राशि वालों, आज जो है किसी शत्रुओं के आप जो है चपेटे में आ सकते हैं या उसकी बातों में आ सकते हैं, बच के रहिएगा क्योंकि शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि, अगली राशि हमारी कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए भाग्य पासे का नंबर निकला है नंबर 1, 3, 4। आज ये बता दें, काउंट करते हैं तो 5 नंबर आता है, मगर यहाँ पर ये जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, आज जो है अपने बड़ों का सम्मान करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उत्तम भी रहेगा। बड़े बुजुर्गों से हो सकता है कुछ ऐसा उपहार जो आपको मिल जाए, आर्थिक चीज़ भी कह सकते हैं, धन की भी आपकी प्राप्ति हो सकती है। तो कुल मिला के आज अपनी वाणी को अच्छा रखना है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए भाग्य के पास एक नंबर निकला है नंबर 4, 4, 2, 10 सूर्य का निकला है। सिंह राशि वालों, आज जो है पिता के साथ में अनबन हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, पिता के साथ अनबन नहीं करना है। अधिकारी वर्ग के लोगों के से भी थोड़ा सा आप जो है चिढ़ सकते हैं, तो मत करिएगा। जो राजनीतिक क्षेत्र में है उनको भी आज जो है किसी के साथ में उनका जो है लड़ाई झगड़े का इस तरीके से माहौल बन सकता है, तो कोशिश ये करिएगा, बेटा बन के जिएगा। अगर पिता बन के जिएंगे तो किसी पे राज नहीं कर पाएंगे, तो बेटा बन के जीने में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आज के दिन जरा चुप रहिएगा। हम बात करते हैं अगली राशि, हमारी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए भाग्य के पास एक नंबर निकला है नंबर 1, 2, 5 निकला है। कन्या राशि वालों, आपके लिए बता दें, आज वाणी से तो जो है किसी के साथ में अपना बना तो सकते हैं, किसी को अपना बना सकते हैं, प्रेमी युगल के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और साथ ही अगर विवाह का प्रस्ताव अगर आप कहीं अपना जो है देना चाहते हैं तो वहाँ जाके दीजिए, क्योंकि विवाह के प्रस्ताव के लिए आज का दिन आपके लिए शुभ है। हम बात करते हैं अगली राशि, हमारी है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए भाग्य के पास एक नंबर निकला नंबर 1, 2, 3, 6 निकला। तुला राशि वालों, आज जो है आपके लिए बता दें कि कोर्ट कचहरी के केस से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, और साथ ही शत्रुओं का भी थोड़ा सा परेशानी जो है आपको दिखाई देगी, शत्रुओं की तरफ से भी परेशानी आपको परेशान कर सकती है, तो ध्यान देना है। साथ ही जो है यहाँ पर एक चीज़ बता दें, आर्थिक जो है समस्याओं को यहाँ पर थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए आपको कुछ कार्य करना आपके लिए उत्तम रहेगा। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य पासे का नंबर निकला नंबर 2, 3, 8 निकला है। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए है कि वैसे भी आपके ऊपर शनि के 7.5 की अंतिम चरण चल रहा है, और आपके लिए ये है कि आप जो है कहीं भी काम काज के लिए जाते हैं, मेहनत से करिएगा, आपको उसका फल मिलेगा, मगर कठोर शब्द आज किसी के साथ में नहीं बोलेंगे, अन्यथा जो है आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही परिवार के साथ में भी आज जो है मित्रतापूर्ण, प्यार से, प्रेम पूर्वक पूर्ण अपना समय बिताइएगा। हम बात करते हैं अगली राशि, हमारी है धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए भाग्य पासे का नंबर निकला नंबर 4, 3, 4
11 नंबर का काउंट करा, दो नंबर निकला। धनु राशि वालों आज आपके लिए बता दें, और जो पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के झंझटों में नहीं पड़ना है, वरना उसकी टेंशन आप ले लेते हैं। हो सकता है कोई ऐसा अशुभ समाचार जिसकी वजह से आपको आपका दिल दुख सकता है, तो आज जो है अपने दिल को संभाल के रखिएगा। और साथ ही आज भगवान शिव के मंदिर में जाकर आपने दूध के पैसे जो है चढ़ा के आइएगा। हम बात करते हैं अगली राशि, अगली राशि हमारी मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर क्या निकला, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, 9 नंबर निकला है। मकर राशि वालों आपके लिए बता दें, अगर प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने जाना चाहते हैं तो खरीदने का बहुत अच्छा समय है। साथ ही यहाँ बताएं कि वाहन जो है सावधानी से चलाइएगा, और किसी भी कागजात में साइन करते हैं सोच समझ के करिएगा। हम बात करते हैं अगली राशि, हमारी है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य पासे का नंबर निकला नंबर 4, नंबर 2, नंबर 3, 9 नंबर निकला है। कुंभ राशि वालों आपके लिए बता दें, आज जो है शिक्षार्थी जितने हैं उनके लिए यहाँ पर थोड़ा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा परिश्रम और मेहनत करने का यहाँ पर योग बनता नजर आ रहा है। कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह है, मेहनत से ही आज आपका दिन जो है सफल होने वाला है। साथ ही जो है किसी महिला के चरण छू के जाएंगे तो आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। हम बात करते हैं मीन राशि वालों आपके लिए भाग्य पासे का नंबर क्या कहता है। आपके लिए कहता है नंबर 4, नंबर 3, नंबर 4, 11 नंबर का दो नंबर निकला है। मीन राशि वालों आपके लिए बता दें कि आज जो है धन को कहीं अच्छी जगह आप निवेश करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। साथ ही जो है आपके लिए है कि घर में कोई भी ऐसी स्त्री, कोई मेहमान आपके घर में आ सकता है जिसका आप सम्मान करिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी स्त्रियों का सम्मान करेंगे तो आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा बनेगी। अब बताते हैं घर परिवार में सभी तरक्की करें, सुखी रहें, तो उसके लिए क्या करें खास उपाय, उसके लिए करना यह है, जब भी जो भी व्यक्ति सुबह प्रातःकालीन उठता है, उठने से पहले आपने जो है अपने हाथों को देखना है, उसके बाद हाथों को देख के अपने इष्ट देव को याद करते हुए, हाथों में इस तरीके से चंद्रमा बन जाए, इष्ट देव को याद करते हुए 3 बार अपने मुख के ऊपर इस हाथों को फेरना है। उसके बाद जो है अपने नाक के जो स्वर चल रहा हो उस स्वर के मुताबिक जो है आपने जमीन पे जब पैर रखते हैं तो धरती माँ को चरण स्पर्श करने के बाद उसके बाद अपने चरणों को नीचे रखना है, अपने इष्ट देव के सामने जाके सबसे पहले आप उनको देखिए, अपने माता पिता के चरण छूइए, उसके बाद आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा जो आपको रुकावट दे या परेशानी दे, आपको हमेशा तरक्की देगी, चाहे वो आप जॉब के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, आपको हमेशा तरक्की मिलेगी। क्योंकि आप जिसके भरोसे जीवन छोड़ देते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि आज का दिन हमारा सफल बनाइएगा, वो जीवन जो है आपका बहुत ज़्यादा सफल बनाने के लिए वो आपका हमेशा साथ देते हैं। ये था हमारा खास उपाय। उसके अलावा हम कल एक नए विषय के साथ में, नए उपाय के साथ में करते हैं आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मैं ज्योतिष आचार्य कृष्ण शर्मा चाहती हूँ आपसे जय महादेव।